हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट इंडिया। दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, मगर ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2020 यानी 2020 में अपीयर होना चाहते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। यानी उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कंपार्टमेंट देंगे सेकेंड कंपार्टमेंट या एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होना चाहते हैं मार्च के एग्ज़ाम में। तो CBSE ने उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें एक साथ ही सारी डिटेल दे दी है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या उसके लिए इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं और उसके लिए क्या फीस रहेगी और किस रीजनल ऑफिस के ज्यूरिसडिक्शन में आप आते हैं, वो सब इस नोटिफिकेशन में है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस पूरे वीडियो में सारी डिटेल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले CBSE कह रहा है, अलॉन्ग विद द मेन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी मार्च अप्रैल, CBSE इज also holding the examination for the following categories: candidates who have been declared fail in 2019, यानी जो 2019 में फेल हो गए हैं, या candidates who have been placed in compartment जुलाई 2019, या जुलाई 2019 में जिनकी फिर से compartment आई है उन लोगों के लिए, candidates who have been placed in compartment main 2019 examination but did not appear in compartment जुलाई 2019 examination, यानी वो लोग जो मार्च 2019 में फेल हो गए थे examination में और जुलाई के जो कंपार्टमेंट का एग्जाम था पहला उसमें अपीयर नहीं हो पाए उनके लिए भी, और पास आउट कैंडिडेट ऑफ 2019 हु विश टू अपीयर फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट जो पास आउट हो गए हैं मगर अपने किसी एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट्स में उन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और साथ ही में पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2014 और आफ्टर हु विशेज टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट, 2014 या उसके बाद वाले ईयर्स में जो स्टूडेंट पास हुए हैं और वो एडिशनल सब्जेक्ट्स में अपीयर होना चाहते हैं उन लोगों के लिए एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय द कैंडिडेट प्लेस इन द अबव कैटेगरीज फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन फेब्रवरी मार्च 2020 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अगस्त 2019। तो जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है कैंडिडेट्स के लिए जो अपीयर होना चाहते हैं फरवरी मार्च 2020 के फरवरी और फरवरी और मार्च के एग्जाम में, उनके 26 अगस्त 2019 से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। द लिंक फॉर द एप्लीकेशन इज दिस, यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके वहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा आपको। पेरेंट कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द फॉलोइंग एनेक्सर केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने से पहले आपको इन एनेक्सर को अच्छे से पढ़ लेना है जो दिए गए हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको एनेक्सर 1 पढ़ना है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एनेक्सर 2, डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग फोटोज एनेक्सर 3, फी शेड्यूल एनेक्सर 4, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एनेक्सर 5, ज्यूरिसडिक्शन एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेस दैट इज एनेक्सर 6। तो ये आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेने हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। फीचर ऑफ ऑनलाइन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन आर, अब ऑनलाइन सिस्टम के फीचर क्या हैं। ऑल फॉर्म्स एंड फी विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन मोड एज पर द शेड्यूल गिवन, जैसा शेड्यूल दिया गया है सिर्फ फीस जो होगी वो ऑनलाइन एक्सेप्टेड की जाएगी। नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन मोड में कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर लास्ट डेट, लास्ट डेट के बाद भी कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड विदाउट फी, बिना फी के कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट कहता है फीस फॉर ऑल एक्टिविटीज़ विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू डिजिटल पेमेंट मोड दैट इज़ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल। जो भी फीस ली जाएगी वो ऑनलाइन यानी डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ली जाएगी, यानी कि नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जो नेशनल और इंटरनेशनल भी हो सकता है। नो फी शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन मोड यानी DD, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर और चेक से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। As the board has introduced two level of examination in mathematics in class 10th, hence circular number F1002 CBSE Director Academic Mathematics 2019 dated 10th January 2019, circular number ACAD03/2019 issued by CBSE and available at, जो मैथमेटिक्स का अब
क्लास टेंथ में दो पेपर होंगे, एक होगा स्टैंडर्ड लेवल का और एक होगा बेसिक लेवल का। स्टैंडर्ड लेवल का एग्जामिनेशन उन लोगों के लिए होगा जो 11 12th में भी मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, और बेसिक लेवल का पेपर उन लोगों के लिए होगा जो सिर्फ 10th में मैथमेटिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, 11 12th में मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते हैं। तो उसका जो सर्कुलर है वो इसी लिंक में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके उस सर्कुलर पर जा सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिटेल्स ऑफ टू लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक सेशन एंडिंग मार्च 2020 ऑनवर्ड्स आर गिवन हियर अंडर। जो डिटेल्स है वो यहाँ दी गई है, पढ़ लेते हैं। 8th पॉइंट जो है इसका जो ए पार्ट है, टू लेवल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th इन द ईयर 2020 एंड द सेम शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द इंटरनल असेसमेंट इन क्लास 10। क्लास 10th के इंटरनल असेसमेंट में जो दो लेवल का पेपर होगा उसमें वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मगर 2020 के मार्च में जो एग्जामिनेशन होगा वो दो लेवल का होगा। तो यानी जब आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टैंडर्ड या बेसिक इसमें से कोई एक चूज करना है और तब आपको फॉर्म फिल करना है। फर्स्ट लेवल वुड बी द सेम एज एग्जिस्टिंग वन एंड अदर वुड बी एन ईजियर लेवल। जो पहला लेवल होगा यानी स्टैंडर्ड लेवल होगा वो एग्जिस्टिंग वन यानी अभी तक जो पैटर्न आता रहा है मैथमेटिक्स का वैसा ही आएगा, और जो दूसरा यानी बेसिक लेवल का आएगा वो थोड़ा इजी होगा। वो उन लोगों के लिए होगा जो बेसिक, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, बेसिक लेवल का जो पेपर मैथमेटिक्स का है वो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं और आगे उनको मैथमेटिक्स कंटिन्यू नहीं करना है। अगर आपने एक बार बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स क्लास 10th में ले लिया है तो 11 12th में आपको मैथमेटिक्स नहीं मिल सकता है। फर्स्ट लेवल वुड बी द सेम एज एग्जिस्टिंग वन एंड द वुड बी एन इजियर लेवल। द नॉमेनक्लेचर फॉर द टू एग्जामिनेशन विल बी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड फॉर द एग्जिस्टिंग लेवल। एग्जिस्टिंग लेवल के लिए जो नॉमेनक्लेचर है वो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल, यानी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड उनके लिए है जो 11 12th में लेना चाहते हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग अभी लेवल चल रहा है। एंड मैथमेटिक्स बेसिक फॉर द इजियर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, जो इजी लेवल के लिए है वो मैथमेटिक्स का बेसिक लेवल का रहेगा, वो उनके लिए रहेगा। तो बेसिक लेवल पे आपको अपीयर करना है। द स्टैंडर्ड लेवल विल बी मेंट फॉर स्टूडेंट हु विश टू ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, एंड बेसिक लेवल वुड बी फॉर द स्टूडेंट्स नॉट कीन टू परस्यू मैथमेटिक्स एट हायर लेवल। यानी हायर लेवल पे आपको नहीं करना है तो आपको बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स का पेपर अपने अपीयर होना है और आपको बेसिक लेवल ही चूज करना है फॉर्म फिल करते वक्त। अगर आपको 11 12th यानी हायर लेवल पर मैथमेटिक्स की स्टडी करनी है तो आपको स्टैंडर्ड पेपर चूज करना होगा। अ स्टूडेंट will have the right to choose between the two level of examination at the time of filling the online application form. Online application form जब आप fill करेंगे तब आपके पास option रहेगा दो में से कोई एक level choose करने का mathematics के लिए। In case a student fail at any level of mathematics, he she can appear at the compartment examination as per the norms of the board according to the options given below. In case of failure in mathematics basic, compartment option, mathematics basic. अगर आप कोई भी लेवल पे फेल हो जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट में अपीयर होने का, वो दिया गया है। अगर आप मैथमेटिक्स बेसिक लेते हैं और आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आप कंपार्टमेंट आपकी मैथमेटिक्स बेसिक में ही आएगी, मगर मैथमेटिक आपने स्टैंडर्ड लिया है तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे कि आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या मैथमेटिक्स बेसिक दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं कंपार्टमेंट के लिए और उसमें अपीयर हो सकते हैं। अ स्टूडेंट हु क्वालिफाइज द मैथमेटिक्स बेसिक शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू अपियर इन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ रिमेनिंग चांसेस ऑफ कंपार्टमेंट एज पर द नॉर्म्स ऑफ द बोर्ड इन केस ही शी चेंजेस हिज हर माइंड टू परस्यू मैथमेटिक्स एट सीनियर लेवल। जो स्टूडेंट क्वालिफाई करता है मैथमेटिक्स का बेसिक लेवल, इन्हें एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड लेवल पर किसी भी टाइम पर जो रिमेनिंग चांसेस है कंपार्टमेंट में उनमें अपियर हो सकें, कि अगर उनको लगता है कि नहीं उनको हायर लेवल पर नहीं है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल में 12th में मैथमेटिक्स लेनी है तो उनको एक चांस दिया जा सकता है कि वो कंपार्टमेंट में बैठें यानी इम्प्रूवमेंट में बैठें और अपना एग्जामिनेशन बेसिक से स्टैंडर्ड कर लें मैथमेटिक्स का। ओके, बोर्ड इज एक्सटेंडिंग सेवरल एग्जामिशन कंसेशन टू द कैंडिडेट विद द डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड इन द राइट। तो ये जो लिंक दिया गया है उनके लिए दिया गया, जो राइट कैंडिडेट्स हैं जो डिसेबल हैं तो उनके लिए बहुत सारे एग्जामिशन कंसेशन हैं जिसका सर्कुलर यहाँ पे दिया गया है। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ तो वो आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ इस लिंक पर जाकर भी आप वो सीधे उस नोटिफिकेशन तक जा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या क्या कंसेशन दिए गए हैं CBSE ने। While submitting application form details in respect of candidate who have appeared in the board examination held in 2019, examination will be auto-generated in the online system and will be visible to the applicant. अगर आप जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे सबमिट करेंगे उसकी जो डिटेल होगी कैंडिडेट की
जो अपीयर होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जो आपको दिखाई देगी। कैंडिडेट्स ऑफ 2018 और बिफोर विल नीड टू सबमिट द डिटेल्स ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। कैंडिडेट्स जो 2018 या उससे पहले के हैं उनको अपनी डिटेल दोबारा से फिल करनी होगी। इफ़ अ कैंडिडेट मेक्स रॉन्ग एंट्रीज इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म और गिव्स फॉल्स स्टेटमेंट और प्रोड्यूस फॉल्स डॉक्यूमेंट, हिज हर फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड, फी पेड शैल बी फोर्टिफाइड एंड सच कैंडिडेट शैल बी कंसिडर टू हैव यूज अनफेयर प्रैक्टिस एंड डील्ड अकॉर्डिंगली। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि अगर आपने कोई फॉल्स या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है तो इसमें आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, साथ ही साथ जो आपने फीस पे की है वो भी जब्त कर ली जाएगी, वो फीस आपको रिटर्न नहीं करेगी और आपको अनफेयर प्रैक्टिसेस में डाल के आपको आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है, CBSE इस पर एक्शन ले सकता है। फॉर द एग्जामिनेशन 2020 एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड एज पर द एड्रेस फील्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म। तो अगर आप कंपार्टमेंट या प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो आप अपना एड्रेस फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा 2020 के एग्जाम के लिए। तो बहुत केयरफुली अपना एड्रेस फिल कीजिएगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट सम कैंडिडेट कंप्लीट द ऑनलाइन एंट्री ऑफ द एप्लीकेशन बट डू नॉट रेमिट फी, इफ ही इज नॉट रेमिटेड बाई लास्ट डेट हिज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ऐसा कई बार पाया गया है कि बच्चे जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म तो फिल कर देते हैं मगर फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं। अगर आप फीस डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे इसमें लिखा है नो एक्सक्यूज दैट साइबर कैफे हैज़ कमिटेड द मिस्टेक विल बी एक्सेप्टेड एंड एप्लीकेशन विल बी डेल्ट पर एज पर द रूल। भाई ये बहुत सारे कैंडिडेट्स की कंप्लेन आती है कि नहीं साइबर कैफे वाले ने गलती कर दी, हमने हमारे नाम में गड़बड़ हो गई है और कुछ डिटेल्स में गड़बड़ हो गई है, वो ये कंसिडर नहीं करेगा CBSE, वो अपने नॉर्म्स को जारी रखेगा और वही उसके हिसाब से डील करेगा। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन एनी ग्राउंड। किसी भी ग्राउंड पे लास्ट डेट के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेयर सबमिशन ऑफ द फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ द फी विल नॉट कन्फर अ राइट टू द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, हिज एलिजिबिलिटी टू डिपेंड अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। सिर्फ फॉर्म फिल कर देने या फी पे कर देने या दोनों कर देने से आप एलिजिबल नहीं होता हो जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए। CBSE उसको चेक करेगा जो आपने डिटेल्स भरी हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एग्ज़ाम के लिए फुलफिल करता है नहीं करता है। अगर करता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एलिजिबिलिटी लास्ट डेट एंड लास्ट फी प्लीज़ रेफर टू द एग्जाम फॉर क्वेरीज कॉल द CBSE हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है 1800118002 बिटवीन 9:30 AM टू 5:30 AM ऑन ऑल वर्किंग डेज। ठीक है, इसमें आगे दिया गया है एनेक्सर वन जिसका आपको बहुत इंतजार था। एनेक्सर वन में दिया है एलिजिबिलिटी टू अप्लाई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फॉर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये इसका लिंक हमने अपने बॉक्स में दे दिया है तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एनेक्सर वन है, इसके बाद एनेक्सर टू है जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ द फॉर्म। ओके, तो उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इशू ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मार्कशीट जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं या प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो उसमें CBSE ने इस बार क्लैरिफाई कर दिया है रिटन नोटिस में। देखिए क्या लिखा है इसमें, ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन इज नॉट टू बी सरेंडर टू द CBSE। जो भी आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट मिल चुका है CBSE से वो आपको CBSE को सरेंडर नहीं करना है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट फॉर 2020 एग्जामिनेशन विल बी इशूड टू द कैंडिडेट हु विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च 2020 इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट 2020 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा और वो इमीडिएटली आ जाएगा, जो फरवरी मार्च का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उसके एकदम इमीडिएटली आपको उसके बाद आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट विल बी इशूड अ सेपरेट फ्रेश मार्कशीट कम सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिंग ओनली द मार्क्स ऑब्टेन इन द सेट एग्जामिनेशन। जो लोग इम्प्रूवमेंट या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन देंगे उनको सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेट का ही मार्कशीट मिलेगा, यानी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्कशीट मिलेगा जिसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया है, एडिशनल मार्क्स एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विल इशू ओनली टू सच कैंडिडेट हु विल अपीयर फॉर द सेकंड चांस कंपार्टमेंट। जिनका मार्च में सेकंड चांस कंपार्टमेंट है और जो पास हो जाएंगे उस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में उनको
कंसोलिडेटिव मार्कशीट। कंसोलिडेटिव मार्कशीट का मतलब यह है कि जो पिछले आपके पासिंग मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स थे वो, और साथ में जिसमें अब आप ईयर होकर पास हो गए हैं, वो सब मिलकर कंसोलिडेटिव मार्कशीट आपको मिलेगी। कंसोलिडेटिव मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विल कंटेन मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट पास इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च अप्रैल जुलाई 2019 एज वेल एज मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट अपीयर्ड एट द सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अगर आपका सेकेंड चांस है तो आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी अगर आप पास करते हैं तभी। कैंडिडेट विल बी एग्जामिन ओनली इन द सब्जेक्ट एंड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब फॉर द ईयर एग्जामिनेशन। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द एलिजिबिलिटी एंड पास क्राइटेरिया एज वेल एज करंट करिकुलम एंड स्कीम ऑफ द स्टूडेंट्स अवेलेबल फॉर द CBSE वेबसाइट लिंक। CBSE वेबसाइट लिंक दिया गया है, इस पर आप फॉर्म फिल करने से पहले या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब चेक कर लीजिए। तो इस एनेक्सर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में एनेक्सर 3 दिया गया है जिसमें कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शन दिया गया है टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द प्राइवेट कैंडिडेट। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है वो एनेक्सर 3 में दिया गया है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको स्टेप्स यहाँ पर दे दिए हैं, स्टेप्स फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द फोटोग्राफ्स, कैसे आपको करना है। फोटो टाइप के लिए इसमें लिखा है फोटो शुड बी इन फुल कलर एंड हाई क्वालिटी टू अवॉइड एनी विजिबल पिक्सल्स। फोटो मस्ट बी टेकन इन द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने का वो फोटो होना चाहिए। हेड शुड बी पोजिशन डायरेक्टली फेसिंग कैमरा सेंटर्ड एंड कंपोज 80% ऑफ इमेज। फोटो शुड कैप्चर फ्रॉम स्लाइटली अबव टॉप ऑफ हेयर एंड द मिडल ऑफ द चेस्ट। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं जो फोटो का आपको मॉडल दिखाया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे ये फोटो आपकी होनी चाहिए। हैव अ नेचुरल एक्सप्रेशन स्माइलिंग इज फाइन, नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्माइलिंग विल बी फाइन, बट उसमें आपको पोज नहीं देना है कोई, इसका आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट कैंडिडेट इज इन क्लियर फोकस एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द बैकग्राउंड। और जो कैंडिडेट है वो डिस्टिंग्विशेबल यानी वो दिखाई देना चाहिए और जो बैकग्राउंड है उससे वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने आपका जो बैकग्राउंड है और आपके जो कपड़े हैं उनका कलर सेम नहीं हो। सॉलिड कलर इमेज आर बेस्ट, जो सॉलिड कलर वाली इमेज है वो बेस्ट रहती है। ये आप अपने फोटोग्राफर को बता सकते हैं जो आपके जिससे आप फोटो क्लिक कराएंगे। आइज मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग एट द कैमरा। ग्लासेस मस्ट नॉट बी टिंटेड अनलेस वॉर्न डेली फॉर मेडिकल पर्पज। आपको ग्लास यानी सनग्लासेस नहीं पहनने। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, आईसाइट वाले ग्लासेस पहनते हैं, तो अगर आप मेडिकल पर्पज यानी आपको प्रेस्क्राइब्ड डॉक्टर से, तो ही आप उसके साथ फोटो खिंचाइए, अन्यथा नहीं खिंचाइए। द इंडिविजुअल फुल फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल, कैंडिडेट का फुल फेस विजिबल होना चाहिए। इसके बाद है फी एंड शेड्यूल फॉर द क्लास 10th प्राइवेट एग्जामिनेशन। अब इसमें आप देख लीजिए जो इंडिया में जो फीस दी गई है वो 1500 दी गई है विदाउट लेट फी फॉर 5 सब्जेक्ट्स, और 10,000 रुपीज़ दी गई है 5 सब्जेक्ट आउटसाइड इंडिया। ओके, और इसकी डेट है 26 अगस्त से 30 सितंबर 2019 तक, और ₹300 पर सब्जेक्ट फॉर एडिशनल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट। अगर आप एडिशनल एक सब्जेक्ट या कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो 300 पर सब्जेक्ट आपका लगेगा, ठीक है। आउटसाइड इंडिया में 2000 पर सब्जेक्ट लगेगा। प्रैक्टिकल फीस 150 फॉर ईच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वर्क सब्जेक्ट, यानी अगर प्रैक्टिकल हैं तो 150 पर सब्जेक्ट लगेगा इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया 350 पर सब्जेक्ट लगेगा। विद लेट फी, लेट फी हो जाएगी, लास्ट डेट फॉर द लेट फी 2000 रुपीज़ इन एडिशन टू द फीस प्रिस्क्राइब। जो फी अभी प्रिस्क्राइब की गई है उसके अलावा लेट फी 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी, और उसकी भी लेट फी डिपॉजिट करने की है 1st October 2019 to 15th October 2019। बाय 15th October 2019 आप लेट फी के साथ इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। लास्ट डेट विल नॉट बी एक्सटेंड, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड एग्जामिनेशन, हाउएवर इफ फॉर्म इज सबमिटेड आफ्टर द लास्ट डेट लेट फी विल बी एप्लीकेबल। ओके, एग्जामिनेशन फीस विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं है, मगर अगर वो लास्ट डेट के बाद करते हैं तो लेट फी उन पे एप्लीकेबल होगी। फीमेल कैंडिडेट रिसाइडिंग आउटसाइड दिल्ली आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज प्राइवेट कैंडिडेट। जो फीमेल कैंडिडेट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करना चाहती हैं वो दिल्ली के बाहर की हैं तो वो अप्लाई नहीं करेंगी। ये सिर्फ दिल्ली बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए है, क्योंकि दिल्ली बोर्ड के एग्जामिनेशन भी CBSE ही हैंडल करता है। फी पेमेंट का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है कि इंडिया में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, RTGS कर सकते हैं। फॉरन में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्विफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं। ओके, बिफोर पेमेंट ऑफ फी स्कूल्स कैन टेक द प्रिंट ऑफ LOC इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट। वंस फी इज पेड फाइनल LOC विल बी प्रिंटेड। ये स्कूल के लिए है, स्विफ्ट पेमेंट के लिए अपडेशन में टेक 2-3 डेज। हंस स्कूल सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया आर एडवाइज टू कंप्लीट देयर प्रोसेस इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी इन सच अ वे दैट देयर प्रोसेस इज ओवर बिफोर द लास्ट डेट। तो बाहर जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि लास्ट डेट से पहले 2-3 दिन 4-5 दिन पहले कर लीजिएगा मेरे कहने में तो आप, क्योंकि आपका लास्ट डेट से पहले सब कुछ हो जाए, क्योंकि
स्विफ्ट से पेमेंट 2-3 दिन लेता है रिफ्लेक्ट होने में। इन केस ऑफ बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन नॉन अपडेशन ऑफ फी ऑन सर्वर द स्कूल शुड कॉन्टैक्ट द रेस्पेक्टिव बैंक थ्रू विच पेमेंट वॉज में कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द बैंक इज गिवन ऑन द CBSE वेबसाइट जनरली बैंक शैल बी रिक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपकी फीस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है अगर आपने इंडिया में पेमेंट किया है तो ये आपका पेमेंट मोड है, इसमें आपको ये डिटेल अपने पास रखनी है और जिससे आप बात कर सकें उस पर। ओके, और एनेक्सर 5 दिया गया है यानी इसमें सब्जेक्ट कोड दिया है क्लास 10th के लिए, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और उसमें आपके थ्योरी इंटरनल असेसमेंट टोटल मार्क्स ये पासिंग मार्क्स ये सब बताया गया है। तो ये आप सब्जेक्ट की लिस्ट है, ये आप देख लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसमें है एनेक्सर 6 जिसमें है और एनी क्वेरी और हेल्प कॉन्टैक्ट फॉलोइंग ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो वर्किंग आवर्स हैं। रीजनल ऑफिस ईस्ट दिल्ली जैसे दिया गया है तो उसमें जुरिसडिक्शन में कौन कौन से ऑफिसेज आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही रीजनल ऑफिस चेन्नई त्रिवेंद्रम सारे स्टेट्स का यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके आंसर देने का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे कि समय से आपको आंसर दे दें। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, आगे भी हमारे जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं सॉल्ट इंडिया पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।